सरकार के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दमोह बाय इलेक्शन में बाहर के नेताओं के चुनाव प्रचार करने जाने पर रोक लगाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसको देखते हुए दमोह में संक्रमण ना फैले इसलिए निर्वाचन आयोग और सरकार को दमोह के बाहर के रहने वाले लोगों के दमोह प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर इस समय कोरोना की महामारी मार्च अप्रैल मई 2020 से ज़्यादा है, ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। भोपाल की स्थिति 498 600 से ऊपर इंदौर है, पूरे मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। मेरा तो ये मांग है चुनाव आयोग से, और जैसे शासन लगातार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नए नए स्टेप्स आ रहे हैं कोरोना से बचने के लिए, ये दमोह चुनाव में जब इतनी बड़ी रैलियां होंगी, पूरे भोपाल इंदौर जबलपुर मध्य प्रदेश से लोग जाएंगे, ये कोरोना और फैलेगा वहाँ पे। बजाय इसके लोकल दमोह ज़िले के ही लोग इस चुनाव में भाग ले सकें, चुनाव ये क्यों नहीं करता। 15 अप्रैल को बाकी लोगों को बाहर कर दिया जाता है 24-48 घंटे पहले, तो क्यों नहीं 1 अप्रैल से बाहर कर दिया जाए, लोकल लोग वहाँ पर चुनाव लड़े, इससे कोरोना बचेगा। कोरोना महामारी से जो WHO के गाइडलाइन, केंद्र सरकार की गाइडलाइन, मध्य प्रदेश सरकार की गाइडलाइन सब आ रही, लॉकडाउन हो रहे हैं, कर्फ्यू लग रहा है, तो ये अगर रोकना है तो चुनाव आयोग सख्त आदेश जारी करेगी, दमोह जिले के ही लोग भाग लेंगे। तो आप एक पत्र भी लिखेंगे? निश्चित तौर पर मैं चुनाव आयोग से मांग कर रहा हूँ, लिखूँगा। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।